शेर पढ़ता ही हूँ, मौसीकी की जाज़िबियत इतनी है शेर के वजन को पढ़ा। देखिए शेर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता ये क्या बात है। तो इसी के लिए आगही का प्रोग्राम है कि इसको खोल खोल के बताए। मैं शेर आपके सामने पढ़ता हूँ। आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सदीर खामा नवाए सोश। अगर दूसरा मिसरा इतना मुश्किल है, एक एक लफ्ज पे आप अटक जाएंगे कि आखिर ये है क्या। और खुसूसन ये गालिब की गजल है, लेकिन गालिब को कम न समझे। गालिब जहाँ तक तखयील की बात है, जहाँ तक फलसफे की बात है, और जहाँ तक दिमागी ख्यालात के उड़ान की बात है, गालिब को कोई नहीं छू सकता। अब ये शेर है कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सदीर खामना बाए सोश। ये जो मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में जो ख्यालात आ रहे हैं, जिनकी बिना पर मेरे अशआर बन रहे हैं, ये गैब से आ रहे हैं। आखिर गैब से कहाँ से आ रहे हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन दूसरे मिसरे में कहा जाता है, गालिब सरीर खाम। यहाँ एक समझना है, सरीर बोलते हैं बुरू खलम जो होता था एक जमाने में, कागज पे लिखते थे तो सर की आवाज आती, इसे अरबी में कहा जाता है सरीर। वो आवाज जो कागज और कलम के टकराने से आती है, फ्रिक्शन से आती है। तो गालिब यहाँ बोलते हैं ये मैं शेर लिख रहा हूँ और ये जो आवाज आ रही है सिक, सिक, सिक वाली आवाज, ये फरिश्तों की आवाज है, ये गैब की आवाज है, ये एक इल्हाम की आवाज है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं और मुझे शेर बनाकर मैं इसे दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। तो क्या प्यारा शेर है और इसकी क्या गालिब से आते हैं गैब से ये मजामी कह, ये ऐसे ऐसे नहीं आते। जो शेर शेर जो बोलता है उसमें इलाहानी कैफियत होती जरूर है। अब अच्छे शायर बुरे शायर, अच्छा शेर बुरा शेर, ये अपनी जगह है, लेकिन शेर में एक इलाहानी कैफियत होती है, ये इस शेर में बयान है।